कोई रास्ता नहीं है। 114 शहीद हो गए थे, उनके हौसले टूट गए। मैंने कभी पढ़ाई की नहीं। रास्ते देख रहे हो? सो भाई नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, बस राइडिंग गियर्स पहनने बाकी हैं। यार सुबह सुबह क्या मौसम हो रखा है। मैंने यहाँ टाइम लैप्स लगाया था बट कुछ ऐसा खास रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और ये ऊपर ग्लेशियर कितने अच्छे लग रहे हैं। और यार रात में माइनस में था टेम्परेचर, नेक चल नहीं रहा था पता नहीं, पर जिससे ठंड थी उससे अंदाजा माइनस में टेम्परेचर जा रखा था। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। झूले आंटी, झूले अंकल, कैसे हो? ठीक हूँ। हाँ यहाँ पर आकर यार अलग ही मतलब गर्म लगता है बिल्कुल। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर खाना पकाते रहते हैं आंटी, तो वो हीट यहीं पर रह जाती है। तो यहाँ पर मज़ा आता है बैठकर। कल भी शाम तक बहुत देर तक यहीं बैठे रहे सभी, और अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। चलिए तो भाई जो ये बिस्कुट ख़त्म हो गए वो हम ही ने खाए हैं। और ये जो सनफिश के बिस्किट है वो राजा राम व्लॉग्स लिख रहा था, एक नंबर भाई बिस्किट, स्पॉन्सर्ड बाय राजा राम व्लॉग्स, यूट्यूबर राजा, हाँ यूट्यूबर, इट्स राज व्लॉग्स, यस। और कल राजेंद्र भाई नारियल के लड्डू क्या स्वाद थे यार, सब किसने किस किसने मस्त थे, लेकर आए थे तीनों पाजी। और खाने वो तो लेंगे ही रास्ते में जाते हुए। मुझे ना नॉर्मल क्या हो गया रास्ते में, तुम्हें क्या क्या मिलेगी रास्ते में, तब मिलेगा और सिर्फ मुझ में ही बंटेगा। तो अंडे की भुर्जी रोटी है बट अंडे की भुर्जी मैं नहीं खाता, तो मैं चाय बिस्किट और शायद जैम के साथ एक रोटी, फिर निकलेंगे यहाँ से। चलिए सो भाई अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, और आज यार मौसम अलग ही कुछ हो रखा है, धूप नहीं निकल रही है। ये देखो बादल बादल, और उस तरफ तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल तो नहीं ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है, उस तरफ है बिल्कुल ब्लू स्काई। पेंगोंग लेक के ऊपर मतलब जो एक पॉइंट होता है तो ये भी पेंगोंग लेक पूरी, बट जो एक पॉइंट होता है वहाँ पर पूरा वो रखा है। तो भाई निकल चुके हैं होम स्टे से, और ये देखो ग्रीन और येलो कितना सुंदर लग रहे हैं ये पेड़। और मौसम आज तो कुछ अलग ही मूड में है, पूरा वहाँ तक येलो गोल्डन कलर, ये देखो डेफिनेटली। यार रात में टेम्परेचर माइनस में था बट यहाँ नेट नहीं चलता इसलिए पता नहीं कि कितना माइनस में था या माइनस के करीब था, बट ठंड बहुत थी यार। और ये आपको यहाँ पर मिराक में अच्छे खासे आपको ये होम स्टेज मिल जाएंगे, ये सामने टेंट्स कलरफुल। तो चलिए सभी और लोग आ गए हैं, चलते हैं। और आज का अपना डेस्टिनेशन है हानले, अमेजिंग डेस्टिनेशन आज की, अमेजिंग दिन में भी और रात में भी अलग ही मज़ा आता है वहाँ पर। पूरा हानले का मिल्की वे बहुत फेमस है वहाँ पर, ऐसा मिल्की वे दिखता है पूरे लद्दाख में कहीं नहीं दिखता, और दिन में ऐसे कलरफुल पहाड़ दिखते हैं जो कि पूरे लद्दाख में नहीं है। सो चलिए देखते हैं पहाड़ों को और फिर रात को मिल्की वे को एंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो, चलिए करते हैं इस व्लॉग को शुरू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हर हर महादेव। इन नज़ारों के साथ व्लॉग की शुरुआत, क्या मज़ा, अलग ही मज़ा है यार बिल्कुल। मतलब कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही पत्थर,
ज़मीन से इतने ऊंचे ऊंचे निकले हुए हैं, सुबह सुबह ऑफ रोडिंग मिल गई, क्योंकि वहाँ से वो ब्रिज बन रहा है पानी के लिए, तो इसलिए वहाँ से रास्ता बंद कर रखा है। और ये पेंगोंग लेक का नज़ारा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बाइक के नीचे से पूरा पट साइड शॉट आया, पट साइड शॉट। वे टू चिशूल, बोर्ड तो लगा रखा है भाई। और पहले हम एक बार उधर पहाड़ी पर चढ़ गए थे, एक बार यहाँ पर बीच में यहाँ इसके पीछे आ गए थे, फिर वहाँ लोकल से पूछा तो वो बोले नीचे से जाएंगे, फिर उन्होंने बताया ये देखिए हो गया ऑफ रोड ख़त्म, अब अच्छा रास्ता मिलेगा। पेंगोंग लेक के साथ साथ चल रहे थे, बट अभी पेंगोंग लेक लेफ्ट की तरफ चली जाएगी और हम ऊपर लेफ्ट राइट की तरफ चले जाएंगे। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। और भाई क्या रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट दोनों तरफ प्लेन एरिया, और सामने क्या ख़तरनाक मौसम हो रखा है, पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर के ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये देखिए कितने सारे याक्स हैं और कितने बड़े बड़े बाल इनके। और ये गाय माता, यहाँ की गायें बिल्कुल छोटी से कद की होती हैं, जैसे हमारे वहाँ थे बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची, और यहाँ की गायें बिल्कुल छोटी छोटी सी। वो कितने बड़े बड़े बाल हैं ताकि गर्मी शरीर में सर्दी ना लगे, गर्मी बनी रहे। और ये पूरा ग्रीन एरिया, क्या सुंदर नज़ारा है यार, ये कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़, अलग अलग कलर की, और कैसा डिज़ाइन बन रखा पूरे इन पहाड़ों में, और उस तरफ पूरा ग्रीन एरिया और इस तरफ पूरा ये ब्लैक ब्राउन स्टोन्स और उस तरफ पूरा ग्रीन एरिया, और नीचे हमारा बिल्कुल ऑफ रोड, वो भी मिट्टी वाला। आज बादल छा रखे हैं, बार बार धूप आ रही है जा रही है। और ये एरिया जब हम मेराक से चुशुल की तरफ जाते हैं तब उसके बीच में आता है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। Here we are at रजांगला पास, और सामने तिरंगा, देश की शान और अपनी जान, और उसके पीछे ग्लेशियर। अभी ये देखिए, सो अभी से यहाँ अभी तक हमने क्लाइम किया था, मतलब अपवर्ड, अब नीचे जाएंगे पहले, उससे पहले रजांगला पास पर फोटो वगैरह खिंचवा कर। ये सामने तिरंगा कितनी खूबसूरती से लहरा रहे हैं, रजांगला मेमोरियल। सारे साहब दिल्ली से हैं? सारी दिल्ली से हैं जी। अंदर बैठे फोटो वीडियो बना सकते हैं, जो कुछ मैं बनाऊंगा उसकी वीडियो बनाना मना है। ओके ओके, जो कुछ मैं बनाऊंगा इन्फॉर्मेशन दूंगा ना। ओके, उसकी नहीं बनानी। हाँ ओके, वैसे बना सकते हैं। तो जो अपने टोटल जो आर्मी ऑफिसर थे वो 124 उनकी काउंटिंग थी, बट चाइनीज़ आर्मी के 1310 जो चाइनीज़ आर्मी के थे वो मर गए थे, मार दिए गए थे,
और अपने जो शहीद हुए थे वो 114 शहीद हो गए थे, 4 को नीचे हेडक्वार्टर जो बेस में कि आप खबर लेके जाइए ताकि इंडियन आर्मी ऊपर आ सके, उनको भेज दिया था, और 6 को चाइनीज़ आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, बट बाद में 3 महीने बाद उनको छुड़ा लिया गया था वहाँ से, और एक बाद में शहीद हुए थे छुड़ाने के बाद वो, क्योंकि उनकी बहुत हालत बहुत गंभीर थी। और ये देखिए अभी यहाँ पर पूरी रिजांगला की मूवी देखी थी, मतलब सर ने चलाई थी, और ये यहाँ पर जाट रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स, और ये राइफल्स, और जो अपने इंडियन ऑफिसर मेजर शैतान सिंह थे उनको फर्स्ट प्रामवीर चक्र मिला था इंडियन आर्मी में। सो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, वो जो आप सामने देख रहे हैं वो चाइना ब्लैक टॉप बोलते हैं, चाइना के अंडर में है, और ये सामने अपनी मगर हिल है, ये बिल्कुल सामने ये आहिर धाम 0 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो क्योंकि इतनी जो शहीद थे हमारे वो इतनी उनकी बुरी हालत कर दी थी कि वो उनके पहचान में ही नहीं आ रहे थे, तो ये उनकी याद में यहाँ पर मेमोरियल बना है। और वो देखिए वो सामने वो मुखपरी टॉप है जहाँ से चाइनीज़ आर्मी आई थी, जो ये ऊपर ऐसे करके, और ये नीचे रिजांगला। और हम अभी जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको, हम चाइनीज़ और इंडियन बॉर्डर के इतने करीब हैं कि हम जस्ट अभी वहाँ से आए थे वहाँ से, और जो ये आप सामने देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा ये चाइनीज़ आर्मी का बेस कैंप है यहाँ पर, और वहाँ पर पीछे इंडियन आर्मी का बेस कैंप है, और उसमें सिर्फ 100 मीटर का डिफरेंस है। और सर ने बताया ये 108 फीट लंबा तिरंगा यहाँ पर, मतलब 108 फीट इसकी हाइट है, हर दूसरे दिन इसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर इतनी हवा चलती है, हर दूसरे दिन इसको चेंज करते हैं क्योंकि ये फट जाता है उस हवा में। कितना सुंदर लग रहा है यार, और ये सामने तिरंगा, और ये जो नीचे फ्लैग्स देख रहे हैं ये रेजिमेंट्स के फ्लैग्स हैं, और यहाँ पर सभी जो 114 जवान शहीद हुए थे ये यहाँ पर उनके नाम का पत्थर लगाया गया है उनकी याद में, और मेजर शैतान सिंह जिनको पहला परमवीर चक्र मिला था इंडियन आर्मी में। और ये आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे हैं ये टोटल 12 पिलर्स हैं, और ये एक 13 जो कि 13 कुमाऊँ रेजिमेंट को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, जो 1962 वॉर में जो शहीद हुए थे यहाँ पर, उस टाइम कुमाऊँ रेजिमेंट ने ये लड़ाई लड़ी थी। थोड़ी सी यार मेरी सांस फूल रही है, बहुत हाइट पर है अभी। सो सच में यार क्या शौर्य की गाथा लिखी थी इंडियन आर्मी ने, और हमेशा से लिखती आई है, और अगर वो पीछे से हमला नहीं करते हैं, अगर वो सच में एक आर्मी होती तो वो पीछे से कभी हमला नहीं करती, क्योंकि जो जवान होता है वो सीने पे वार करता है और सीने से वार करता है, तो आर्मी तो कहाँ की आर्मी यार, हमारे 124 जवान जो थे उन्होंने 1310 उनको कैजुअलिटी दे दी, उसके बाद वो पीछे भागे, वरना वो चुशूल पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, बट उन्होंने जब उन्होंने देखा इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं और सिर्फ 120 जवानों ने इतनी कैजुअलिटीज़ दी हैं, तो उनके हौसले टूट गए, और बाकायदा चाइनीज़ जो मीडिया है उसमें अखबारों में निकला था ये कि भारतीय जवानों की जो गाथा है वो चाइनीज़ मीडिया ने भी गाई थी, तो अमेजिंग यार जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, इन
इन जवानों की वजह से यार, जहाँ हम आराम से घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इट्स वंडरफुल यार। सो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। इतना ही था, मैं जितना जानता था मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत और, थोड़ा बहुत नहीं, मैंने 1% भी नहीं बताया, बहुत है, बहुत वंडरफुल। अगर आप आर्मी ऑफिसर से आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, जो यहाँ पर हुआ जिस टाइम पर हुआ उसका 1% भी कोई कभी बता ही नहीं सकता भाई। इंडियन आर्मी की शौर्य गाथा कोई नहीं गा सकता, क्योंकि इतना इतना है, इतना है कि कोई कभी वो समाप्त ही नहीं हो सकती, वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो सकती, शौर्य की गाथा। सो जय हिंद, मिलते आगे। सो भाई ये है सामने मेजर शैतान सिंह का ऑडियो वीडियो विजुअल गैलरी, और ये सामने मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा बनाई गई है, ये देखिए दोबारा कर। और तो मैंने पहले फोटो करी है, ये सभी जवानों की जो शहीद हुए उनकी फोटोज। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर वॉर मेमोरियल आएंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। और अगर कुछ खाना वगैरह है तो कैफेटेरिया भी है। ओके थैंक यू सर, चलिए भी निकलते हैं यहाँ से बाहर, एक दो फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं। सो भाई अभी निकल रहे हैं चाय पीकर रिजांगला मेमोरियल से, और हमने ये लिया है बैटल ऑफ रिजांगला 18 नवंबर 1962, अनफॉरगेटेबल है बुकमार्क। कभी बचपन में भी बुक्स नहीं पढ़ी, बट अच्छा लगा और एक मेमोरी के तौर पर कि हाँ यहाँ पर आए थे तो ले लिया। और ये 495 का बुकमार्क है तो अच्छा लगा तो इसलिए ले लिया। खैर बुकमार्क मेरे कोई काम का नहीं है, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं। सो चलिए सामने वो बाइक्स लगी। ओके सर थैंक यू। बहुत खूबसूरत वॉर मेमोरियल है भाई, आप ज़रूर आएँ। ये लास्ट ईयर 18 नवंबर को ही ओपन हुआ है, तो आप ज़रूर देखने आएँ। बिल्कुल जस्ट जो मकबे टॉप उसके सामने हो, और ये जो रिजांगला पीक है उस पर, वो है जो ऊपर आपको दिख रहा है पीक, वो है मकबे टॉप। वहाँ से ही चाइनीज़ आर्मी ने आकर पीछे से हमला किया था, और ये रिजांगला पीक, और बहुत पास है, ऊपर चाइनीज़ आर्मी की पोस्ट भी दिख रही है वहाँ से, तो बहुत करीब हैं हम। 1 किलोमीटर का दायरा भी नहीं होगा जहाँ से चाइनीज़ आर्मी, मतलब चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और रास्ते देख रहे हो, ये रुद्रा के लिए बने नहीं हैं, पर रुद्रा ने इसके इन रास्तों को अपने लिए बना लिया है। वाह 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 वाह।